बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कार्यकाल में उमा भारती की चर्चाएं खूब ज्यादा रहीं, सुर्खियों में उमा भारती रहीं। कभी शराबबंदी के मामले को लेकर, कभी अपने बयानबाजी को लेकर, कभी पत्थर उठाकर वो शराब की दुकानों पर पहुंचाती थीं, शराब की दुकानों को तोड़ने की कोशिश करती थीं, वहाँ पर जो शराब की बोतलें होती थीं उनको नष्ट करने की कोशिश करती थीं, और कई सारे मुद्दे हमेशा उन्होंने ऐसे उठाए जो उन मुद्दों की वजह से सुर्खियाँ उन्होंने बटोरी। अब एक बार फिर से नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में ना जाने को लेकर उमा भारती सुर्खियों में है, और सोशल मीडिया पर आखिर ये चर्चा अब क्यों हो रही है कि उमा भारती शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गई हैं। इसके पीछे का तर्क उन्होंने क्या दिया, ये भी आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि जो शपथ ग्रहण हुआ है डॉक्टर मोहन यादव का, मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है, उसमें तमाम बीजेपी के दिग्गज मौजूद रहे हैं। खुद शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री चूंकि अब हो गए हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री उनको कहना पड़ेगा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शपथ ग्रहण में पहुंचे और तमाम लोग पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में, और कई दिग्गज पहुंचे मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह में। लेकिन एक नाम जिस पर चर्चाएँ लगातार थीं और लोगों की नज़रें टिकी हुई थी कि उमा भारती पहुँचेंगी या नहीं पहुँचेंगी, और अगर पहुँचेंगी तो कब पहुँचेंगी, ये चर्चा लगातार सोशल मीडिया पर हो रही थी। आपको इससे पहले याद होगा कि जो नए मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने खुद जो उमा भारती हैं उनको इनवाइट किया था, यानी कि शपथ ग्रहण में आने का उन्होंने खुद उनको न्योता दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उमा भारती नहीं पहुंची हैं। अब उमा भारती की ओर से इस पर रिएक्शन भी सामने आ गया है, उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है और ये बताया कि दरअसल स्वास्थ्य कारणों के चलते उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको बैक पेन या कुछ इश्यूज़ जो उन्होंने बताए हैं उसकी वजह से वो उठने बैठने में असमर्थ हैं, यानी कि बार बार वो उठने बैठने में उनको परेशानी होती है। डॉक्टर्स ने उनको रेस्ट करने की सलाह दी है, या फिर वो अपनी सेहत को लेकर और ज़्यादा उनकी स्थिति ना बिगड़े इसको लेकर थोड़ी सावधानी बरत रही हैं, इसीलिए वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो पाई हैं। फिलहाल तो उमा भारती की तरफ से यही रिएक्शन सामने आया, हालांकि कयास अलग अलग लोगों के थे, सोशल मीडिया पर चर्चाएं बहुत सारी हो रही थी कि उमा भारती नहीं पहुंची, नाराज़ हैं, क्या कारण इसके पीछे के हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हेल्थ इशू है इसके पीछे का कारण, ये खुद उमा भारती की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।